बच्चों आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 15, रेन थंडर एंड लाइटनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। अबाउट 2500 ईयर्स अगो अ ग्रीक फिलोसोफर थैलेस फाउंड दैट When a piece of amber is rubbed with fur, it attracts small pieces of leaves, crock, paper or straw. थैलेस एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने पाया कहरुबा नाम के एक रत्न को जब ऊनी कपड़े के साथ रगड़ा तो उन्होंने पाया कि घर्षण के कारण इसमें अम्बर के गुण आ जाते हैं, यानी कि धूलकण, सूखी घास, पंखुड़ियाँ, ये सारे छोटे छोटे जो कण होते हैं ये आकर्षित करने लगते हैं, अर्थात अम्बर विद्युतीकृत हो जाता है, यानी कि चार्ज्ड हो जाता है। विलियम गिलबर्ट कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स एंड कॉइन द टर्म इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और इस तथ्य को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। He also gave the proof that the nature of attraction shown by amber when it was rubbed was not magnetic. उन्होंने ये भी प्रूव किया कि जब भी कोई भी मटेरियल को हमने एम्बर से रब किया तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैग्नेटिक हो, यानी कि चुंबकीय तत्व, चुंबकीय शक्ति उसमें प्रेजेंट हो। आगे देखते हैं चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। द बॉडी विच पॉजेस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके थ्रू करंट पास हो जाता है वो कैसी बॉडी है, चार्ज बॉडी है, और वो बॉडी जिसके थ्रू चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होता उसको हम अनचार्ज बॉडी कहते हैं। द बॉडी विच डज नॉट पॉजेस एनी चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड अनचार्ज ऑब्जेक्ट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्काई इन अ क्लाउडी वेदर। यू कुड हैव हियर्ड द फ्यूरियस साउंड ऑफ थंडर एंड सीन लाइटनिंग। The lightning is simply the effect of huge electric charges building up on some clouds. आपने आसमान में जब कभी मौसम खराब होता है तब देखा होगा बिजली को कई सारे इफेक्ट्स देखे होंगे, यानी कि आपने बहुत ही तेज कड़कती हुई आवाज़ सुनी होगी। तो ये जो आवाज़ आती है ये इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस जब दो क्लाउड्स या कुछ क्लाउड्स आपस में रब करते हैं तब इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस उत्पन्न होते हैं जिसकी वजह से आप लाइटनिंग देखते हैं। Not much was known about the lightning and thunder till the 18th century. अर्थात 18th century से पहले lightning के बारे में और thunder के बारे में ज़्यादा knowledge नहीं थी। After the experiment conducted by Benjamin Franklin, जो कि एक वैज्ञानिक हैं Benjamin Franklin, जब उन्होंने कई सारे experiment conduct किए तो it was proved that atmosphere contain a large amount of electricity. उनसे ये सिद्ध हुआ कि जो हमारा atmosphere है, वायुमंडल है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट प्रेजेंट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट डिड द फेमस काइट एक्सपेरिमेंट। बच्चों आपने काइट एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा। ही यूज्ड अ सिल्क काइट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक सिल्क काइट ली अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। एट द अदर एंड ऑफ द काइट नियर हिज हैंड ही अटैच्ड अ स्मॉल मेटेलिक की। उन्होंने क्या किया, ये देखिए ये काइट है और अपने हाथ के पास उन्होंने एक छोटी सी मेटेलिक की, उसको इस थ्रेड में बांध दिया। When he flew the kite into the clouds, जब उन्होंने इस पतंग को आसमान में उड़ाया, lightning struck, बिजली कड़कने लगी। The key in turn become hot, और जब बिजली कड़की तो उसकी वजह से जो ये चाबी बंधी हुई थी इस धागे में वो गर्म हो गई। The key also got electrically charged, इसका मतलब क्या हुआ, जो चाबी थी उसमें भी करंट पास हुआ। Therefore, he concluded that the thunder clouds are electrically charged. तो इन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि जो clouds होते हैं वो उनमें कुछ charge present होता है। बच्चों इसको हम कुछ experiments के through और जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ paper के टुकड़े लिए और उसको आपने एक table पे रख दिया, ठीक है, place small pieces of paper on a clean table top. Rub an inflated rubber balloon with a piece of woolen cloth. अब आप क्या करें, एक बैलून लीजिए और उसको ऊनी कपड़े से रब कर लीजिए। नाउ ब्रिंग द
बलून नियरर टू द पीस ऑफ पेपर। इसके बाद उस बलून को जो आपने पेपर के छोटे छोटे टुकड़े किए थे उसके पास ले जाइए। आप क्या पाएंगे, जो बलून है उससे छोटे छोटे टुकड़े जो हैं पेपर के वो अट्रैक्ट होने लगेंगे। इससे क्या पता चलता है कि ये चार्ज हो गया है। उसी तरह से आप पॉलिथीन स्ट्रिप लीजिए, सिल्क क्लोथ यानी रेशम का कपड़ा लीजिए, इनको रब करके देखेंगे तो क्या पाएंगे, ये भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसका मतलब है ये चार्ज्ड है। उसी तरह से एक ग्लास रॉड है, फर, आप इसका क्या इफेक्ट पाएंगे पेपर पे, ग्लास रॉड को फर से रब कीजिए तो आपको क्या इफेक्ट मिलेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और आपको पता चल जाएगा ये चार्ज है। अब एक स्टील रॉड लीजिए, उसको फर से रब कीजिए तो आपको क्या पता चलेगा कि पेपर पीसेस पे किसी तरह का भी इफेक्ट नहीं हो रहा और आपको इससे ये निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि ये अनचार्ज्ड है। ठीक है बच्चों, बच्चों इस एक्टिविटी को आप अपने घर में भी ट्राई करके देखें और आज के लिए मैं बस आपको इतना ही करा रही हूँ। इसको पढ़ें और समझें, तब तक आप अपना ध्यान रखें।